गैस वेलकम टू आवर चैनल क्रिस्टल कार केयर। देख सकते हो आज बलेरो न्यू N4 हमारे पास आई है और N4 में हम पीछे से आपको दिखाने वाले हैं। कैमरा आपको दिखा दूं, कैमरा हमने इसमें इंस्टॉल कर दिया और साथ ही साथ रिफ्लेक्टर्स इसमें हमने लगा दिए, रॉयल लुक के व्हील कवर्स लगा दिए, नीचे फुटरेस्ट आप देख सकते हो फुटरेस्ट लगा दिया और डीबेस की डैम्पिंग, ऊपर से गाइस सनग्लास होल्डर दिखाऊं, स्क्रीन भी देख सकते हो एंड्रॉइड की पूरी स्क्रीन हम इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं, फिटिंग अभी चालू है और कपलर टू कपलर रहने वाली है। राउंड जीरो के कॉम्पोनेंट्स और कोएक्सल भी हम इसमें लगा रहे हैं। गाइस बाहर से दिखाते हो तो डोर वाइजर्स आपको देख सकते हो, डोर वाइजर लगा दिया गया है और फ्रंट भी आपको दिखाऊं तो पूरा खोल दिया गया है, DRL फॉग लैंप्स और सारी LED वगैरह सारी चीज़ें इंस्टॉल हो रही है। तो गाइस वीडियो में बने रहना, वीडियो के एंड में आपको गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी, सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या क्या हुआ है गाड़ी में। हमारे पास मॉडिफिकेशन के लिए आई थी N4 कंप्लीट हो चुकी है, एक गाड़ी का काम वहाँ पे भी चल रहा है आप देख सकते हो। एंड इस बलेरो न्यू N4 में हमने कराया DRL जैसा कि हमारे बलेरो में लगाते हैं और इसमें DRL में इंडिकेटर्स भी होने वाले हैं, वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। LED लाइट भी इसमें इंस्टॉल करी 175 वॉट के निपॉन की, साथ ही साथ नीचे फॉग लैंप्स भी लगाए हैं उसमें भी LED लाइट लगाई गई है और ये इंडिकेटर्स का आप लोग देख सकते हो, इंडिकेटर्स में कुछ ऐसे ब्लिंक करने वाला है और थ्रो भी भाई ना LED का बहुत बढ़िया होने वाला है, आप देख सकते हो इसे इतनी दोपहर में भी काफ़ी अच्छी थ्रो आपको मिलने वाली है रोड पर। बाकी साइड्स में बात करूँ तो फुटरेस्ट हमने इसमें इंस्टॉल किया है, अलॉय वाले व्हील कवर्स भी हमने इसमें लगाए हैं और पीछे से भी आपको दिखा दो तो रिफ्लेक्टर्स लगाए गए हैं जो कि मैट्रिक्स रहने वाले इंडिकेटर पर वर्क करते हैं। बैक में आप कैमरा भी देख सकते हो, प्रॉपर अपने प्लेसमेंट कर रखी है कैमरे की भी नीचे। और गाइस अंदर से मैं आपको बात करूँ तो ये एम्बिएंट लाइट आप देख सकते हो, एम्बिएंट लाइट भी हमने इसमें 6 पीसेस वाली लगाई है, फ्रंट में आप ऊपर वहाँ देख सकते हो ये पूरी एम्बिएंट यहाँ लगाई गई है और सनग्लास होल्डर जो कि वर्किंग रहने वाला है आप देख सकते हो यहाँ पे, ये भी हमने इसमें इंस्टॉल कर दिया। सीट कवर्स गाइस गाड़ी में नहीं लगे, सीट कवर्स छोड़ के इसमें सारी चीज़ें लगी गई हैं, सर ने थोड़ा टाइम बात करवाना था, बजट के अकॉर्डिंग इन्होंने काम करा। डोर वाइजर्स आप देख सकते हो, रूफ रेल भी बाद में करवाएंगे सर आके। बाकी स्क्रीन की बात करूँ तो प्रॉपर एंड्रॉयड 9 इंचेस विद पियानो फिनिश फ्रेम के साथ हमने इसमें इंस्टॉल किया है जो कि ट्रोनी का आप देख सकते हो, हमने इसमें ट्रोनी का लगाया एंड बहुत ही स्मूथ रहने वाला है। बाकी गाइस स्टीयरिंग रैप का भी ऑप्शन है अपने पास और साथ ही साथ यहाँ पर आप लाइटर भी लगवा सकते हैं जो वो आता है, वो भी आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें और भी लग सकती हैं इस गाड़ी में, बट भैया ने जैसे अपने बजट के अकॉर्डिंग इसमें काम करवाया तो ये सारी चीज़ें हमने बजट के अकॉर्डिंग ही इसमें बोलूँ तो मॉडिफिकेशन के लिए। ग्राउंड जीरो के कंपोनेंट्स हमने इसमें इंस्टॉल किए गए साइड्स पे और ट्विटर की प्लेसमेंट वहाँ आप देख सकते हो, वहाँ अंदर OEM जगह पे ही कर दी है। बाकी गाइस सेंटर लॉकिंग की बात करूँ तो RD की सेंटर लॉकिंग आप देख सकते हो हमने इसमें करी है और बहुत ही बढ़िया मतलब फ्लिप की के साथ हमने ये बनाई है। महिंद्रा जेन्युइन की भी हमारे पास अवेलेबल है, वो चाहते हैं तो उसमें भी अपग्रेड करा सकते हैं। तो गाइस ये सारा कुछ काम होता है इस गाड़ी में, बाकी एक बार कस्टमर से ले लेते हैं रिव्यू, कहाँ से आए थे, कैसे उनको काम लगा है, तो आइए चलते हैं कस्टमर के पास। तो गाइस कार के ओनर भी हमारे साथ आ चुके, जानते हैं कहाँ से और कैसा काम लगा। तो वेलकम टू क्रिस्टल कार केयर भैया, क्या नाम है आपका? मेरा संजय नाम है। कहाँ से आए भैया? सिरसा इलाहाबाद हरियाणा से। ये फर्स्ट टाइम है हमारी शॉप पे? हाँ जी फर्स्ट टाइम। कैसे पता चला भैया शॉप के बाद? वीडियो देख के। ठीक है। बार बार कई वीडियो देखी मैंने, ठीक है, उसमें काम अच्छा लगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कई जगह पूछा था लेकिन मैं सीधा आपके पास ही आया क्योंकि मुझे काम पहले आपके वीडियो में अच्छा लगा। ठीक है। राजीव भी हमारे साथ है, राजीव भी मैं देख सकता हूँ सीट कवर छोड़ के भैया ने ऑलमोस्ट सारा काम कराया, रूफ रेल काम नहीं कराया भैया ने, एक सीट कवर भी मैं भी कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि सीट कवर का भी मैं थोड़ा सा देख रहा था क्योंकि मेरे कलर के हिसाब से कलर नहीं मिला, थोड़ा मैं ये चाह रहा था मेरी गाड़ी है उसकी सीट चेंज करना चाह रहा था। अच्छा, तो इसलिए मैं अभी सीट कवर भी नहीं लगा, सीट कवर के लिए उस हिसाब से। ठीक है, तो सीट कवर के भैया सोच रहे हैं, बाकी कोई नहीं, बाकी सारी चीजें राजीव भी हमने लगा दी है, जो जो सामान भैया चाहिए था सारी अवेलेबल मिल गई हमें बलेरो की। सामान सारा है। ओवरऑल मैं बोलूं भैया काम आपने देख लिया, सारी चीजें फिट हो गई है, कैसे सेटिस्फाइड है काम से? बिल्कुल बिल्कुल। और हम राजीव भैया के बारे में, भैया की ये कह रहे हैं कि कभी भी कोई जरूरत हो तो अभी किसी भी वक्त आ जाओ, कोई भी दिक्कत हो फोन करो आ जाओ। ठीक है, तो मतलब बोलो तो अच्छे से अटेंड करके सारी चीजें आपको जो भी दिखा दी। कल भी मेरी मनोज जी से बात हुई थी। ठीक है, उन्होंने कहा कल आ जाओ या आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और मैं जो सामान मैंने आपको दिखाया वही चीज लगाई है? बिल्कुल, कोई और चीज लगाई? ना वही लगाई है। सेटिस्फाई है ना? बिल्कुल। ठीक है, अपने दोस्तों को जरूर रिकमेंड करना भैया। बिल्कुल जी, और थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। राजीव भैया आपका भी थैंक यू। तो भाई ये थी अपनी बलेरो न्यू की मॉडिफिकेशन, बाकी एक बलेरो न्यू वहाँ भी अपनी मॉडिफिकेशन चल रही है, तो इस वीडियो में हम आपको यही बलेरो न्यू दिखाने वाले थे। अगली वीडियो के लिए भाई बने रहे आप हमारे साथ, हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मॉडिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।